से बियर और वाइन भी सर्व होती है। तो अभी भी सर घूम रहा है। हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं बताना चाहूंगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको देखने मिलने वाले हैं इंटरेस्टिंग वीडियोस अराउंड ट्रैवल, फूड, लाइफस्टाइल इन जर्मनी एंड अराउंड यूरोपियन कंट्रीज। तो मेरा नाम है कोमल और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ जर्मनी का मेला दिखाने के लिए। तो मेरे लिए भी बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, मुझे भी, क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ ऐसे किसी मेले में। बचपन में जाते थे, वो भी इंडिया में जब थे, और जर्मनी तो मैंने कभी ऐसे मेले में गई नहीं थी। तो चलते हैं अंदर और दिखाती हूँ कि कैसे होते हैं जर्मनी के मेले, क्या क्या होता है खाने पीने के लिए यहाँ पे, और क्या क्या गेम्स होती है, क्या कौन सी राइड्स होती है। चलो दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे चेकिंग हो रही है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो वैक्सीनेशन का प्रूफ दिखाना है, अदरवाइज कोई नेगेटिव टेस्ट है तो वो दिखा के उसके बाद ही ये लोग अंदर छूट रहे हैं। जर्मन खाना है और यहाँ पे बियर, चिकन वगैरह, ये अलग अलग मीट, ये भी सारे मिल जाते हैं जो लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते हैं। जैसे बियर और वाइन भी सर्व होती है अलग अलग यहाँ पे कियोस्क में। खाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मैंने ये वेजिटेरियन सैंडविच लिया है, वेजिटेबल और सॉसेस के साथ। ब्रेड भी है तो ये वाला ट्राई करेंगे। चिकन वाले वर्जन में भी आता है बट मैंने वेज लिया है। और ये वेजिटेरियंस के लिए अच्छा ऑप्शन है। जहाँ पे मशरूम्स मिल रहे थे तो शैम्पिगन्स होते हैं मशरूम, जो आप सॉस और ब्रेड के साथ ले सकते हैं, और साथ ही मिल रहे थे अलग अलग तरीके के बर्गर्स। तो ये है सारा नॉन वेजिटेरियन सेक्शन जहाँ पे मिल रहे थे हेंशन, मतलब चिकन के बर्गर या फिश की भी चीजें मिल रही थी। यही मिला, बस बाकी कुछ नहीं मिला। यहाँ पे अलग अलग सॉफ्ट आइस के सेक्शन बने हुए हैं और आप उसको डायरेक्टली पिक कर सकते हो। जैसे €1 का मैंने ये चांस लिया है कि एक बार में खेल सकती हूँ €1 में, और ये मुझे ऐसे यहाँ से ऑपरेट करना होगा, और ऑपरेट करके ये जो है पिक करने वाला वो एग्जैक्टली मेरे टॉय के पास लेके उसको बस खींचना है। डाल दिया है और अब ये तरीका किया है इन्होंने कि वो आता ही नहीं है। और ये है शूटिंग का गेम। तो जितने ज्यादा आप स्टार शूट करोगे उसके हिसाब से प्राइस मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे प्राइस लिस्ट देखोगे, इंडियन रुपीज में बताऊँ तो एक चांस के लिए देने होते हैं ऑलमोस्ट ₹70, 6 चांस के लिए ऑलमोस्ट ₹350 और 14 चांसेस ऑलमोस्ट ₹850। जाने वाली हूँ जिसका नाम है प्रोफ्लेयर। वो पूरा 360 डिग्री घूमता है। मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट भी हो रही है और बड़ा डर भी लग रहा है। जाती हूँ अंदर और मैं आने के बाद बताती हूँ कैसे है मेरा एक्सपीरियंस। जो कि मिलती है 4 यूरो में, 350 रुपए का ये एक स्लाइस का पिज्जा है। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारी राइड्स है। ये देखो पीछे इन्होंने कैसे अमेजिंग सा एक छोटा सा गाड़ियों का सेटअप बनाया हुआ है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आके राइड्स लेते हैं। बोल सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बनवाया है स्ट्रॉबेरी और न्यूटेला के साथ वाला। आपने देख ही लिया होगा कैसे बनता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये बड़ा फिलिंग भी होता है और ऐसी जगह पे कुछ और चीजें खाने से अच्छा है कि एटलीस्ट ये वाला खा सकते हैं। और ये है चूरोस। चूरोस ये एक्चुअली एक फ्राइड ऐसे स्टिक्स की तरह होते हैं और इसके ऊपर मैंने डलाया है न्यूटेला सॉस और ये बड़े अमेजिंग होते हैं। ये एक्चुअली स्पेन ही एक डेजर्ट होता है, ये स्पेन में बड़ा कॉमन मिलता है ये चूरोस, तो ये बड़ा टेस्टी होता है। यहाँ के मेले में भी मिल जाते हैं कैंडी फ्लॉस, बुड्ढी के बाल, और ये है अलग अलग तरीके के मांडल मतलब बादाम, जो कि अलग फ्लेवर्स जैसे चॉकलेट फ्लेवर्स में भी कोटेड है या लेमन फ्लेवर्स में भी यहाँ पे बादाम कोटेड मिलते हैं। और ये बड़ा कॉमन है कि आपको यहाँ के मेलों में या क्रिसमस मार्केट में ये चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ के ये बादाम जो है 100 ग्राम मिलते हैं 4 यूरो में, 350 रुपये। और ये बड़ा कॉमन है कि जर्मनी के क्रिसमस मार्केट में या ये ऐसे जो ये फन फेयर होते हैं, यहाँ पे अलग अलग जो फ्रूट्स होते हैं, वेदर इट में भी एप्पल, स्ट्रॉबेरी, बनाना, ये सारे चॉकलेट अलग अलग फ्लेवर्स ऑफ चॉकलेट में कोटेड मिलते हैं। तो बच्चे और सब लोग ये बड़ा एंजॉय करते हैं, ये फ्रूट्स कोटेड विद चॉकलेट खाना है। और आपको पता है सबसे एकदम क्रेजीएस्ट वाली राइड कौन सी है? ये पीछे वाली जो कि पूरा उल्टा घूमती है, बहुत डेंजर है ये। एग्जिट तक मैं पहुंच चुकी हूँ। एक बार बाहर गई तो वापस अंदर नहीं आ सकती। तो ऑलमोस्ट हम लोगों का पूरा एंजॉय करके हो गया है, सारे राइड्स में भी बैठे हैं, बहुत तरीके की अलग अलग चीजें भी खाई है। तो आई होप आपको भी देख के मजा आया होगा। मेरे लिए तो बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। इतने टाइम के बाद ऐसे अम्यूजमेंट पार्क जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही एक फन फेयर में मेले में आके एंजॉय करने का मौका मिला, तो मुझे तो बड़ा मजा आया। आई होप आपको भी देख के मजा आया होगा। आई एम नॉट श्योर आवाज ठीक से आ रही है या नहीं, यहाँ पे बहुत शोर शराबा है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपके चैनल फॉरेन की दुनिया। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, auf Wiedersehen।